मैं कमांडर अशोक राउत EPS 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ ग्वालियर के भूमि में आज हम एक छोटी सी सभा लेने वाले हैं। इसके बाद 4 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। पूरे भारत के सभी राज्यों से वहाँ लोग आएंगे, सभी लोग 60 से 80 साल की उम्र के होंगे और हजारों की तादाद में, बल्कि वर्ल्ड में ये पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ 60 से 80 साल की उम्र के लोग इतनी बड़ी तादाद में आकर 4, 5 और 6 तारीख को दिसंबर के आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। इतना बड़ा आंदोलन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? और 7 तारीख को जंतर मंतर पे आत्मदहन करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। हम EPS 95 के कर्मचारी जो रिटायर्ड है वो है, और इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपने हर महीने पैसे काटे हैं ताकि 60 साल की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षितता बनी रहे। हर इंसान के, हर रिटायर्ड आदमी के सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है। अब 20 लाख की राशि जमा होने के बाद आप पेंशन के रूप में हमें अगर 1,000 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये दे रहे हो तो ये कौन सा गणित है, ये हमें सरकार को पूछना है। हमें चाहिए 7,500 और महंगाई भत्ता जो हमारी जमा राशि का ब्याज बनता है उतना ही हम चाहते हैं। एक वृद्ध पत्नी और पति उसमें जी सके, अपनी दवाई खरीद सके, इतनी हमारी मांग।